नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। शौर्य के प्रतीक मगरा क्षेत्र की धरा में जन्मा एक और जवान शहीद हो गया है। जहां जवान के शहादत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई, तो वहीं घटना की सूचना पर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल से वार्ता की। शेखावत के बेटे उरी में तैनात मगरे के लाल परवेज की शहादत की खबर क्षेत्र के सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और वहीं गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद के घर पर देशभक्तों की भीड़ जमा होने लगी है। आप बता दें कि शहीद का पार्थिव देह आज उसके पैतृक गांव शेखावास लाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उन्हें दफनाया जाएगा। क्लास से लेकर 10वीं तक हमने साथ में पढ़ाई की, हम साथ में पाले पोसे, एक साथ हमने बड़े हुए और शुरू से ही मेरे भाई का एक जज्बा था कि वो आर्मी के अंदर जाए और वो दिन रात एक करता था वहाँ जाने के लिए। और फाइनली उसने 2009 के अंदर जो उसका ड्रीम था आर्मी में जाके देश के प्रति सेवा करना और दुश्मनों को मौत के घाट उतारना, उसका फाइनली वो जज्बा पूरा हुआ और उसने 2009 में भारतीय सेना के अंदर ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करने के बाद में और हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई करने के बाद आज जब उसका सुबह में मेरे पास में समाचार आया, समाचार आते ही मुझे जो दुख हुआ, वो दुख के साथ साथ मुझे इतना गर्व फील हुआ कि मेरे भाई ने आज देश के प्रति अपने प्राण न्योछावर किए और हमारे एरिया में मगरा क्षेत्र का ये 25वां शहीद हुआ है और 25 में से 24 शहीदों के प्रति आइकॉन बना कि हम और आज हमारे एरिया के आसपास के जितने भी यूथ लोग हैं, युवा लोग, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने कि हम भी आने वाले टाइम में भारतीय सेना में जाकर और हमारे देश के प्रति रक्षा करें। करीब मुझे सुबह मिली, मैं छुट्टी पे था इसलिए फर्स्ट कॉल जो आया था वो मेरे पास में आया, तो हमारे को पता लगा भाई हमारा जो भाई है एक शहीद हो गया है, जो हमारे को बहुत बड़ा गर्व की बात है। हमारे को ही नहीं, पूरे हमारा मगरा क्षेत्र है और हमारे जो काठात कौम है उसको बहुत गर्व है और शोक की लहर पूरे हमारे आसपास के जो भी गांव है, ब्यावर है, सभी जगह इसकी। राजस्थान के चूरू के हमीरवास में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सड़क हादसे में मौत हो गई। जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ गुरुवार को पॉस्को और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। हमीरवास थाना एएसआई रामनारायण अपनी टीम के साथ आरोपी अनिल कुमार को पकड़ने उसके ननिहाल गंगापुर गए थे, जहाँ पुलिस को देखकर अनिल एनएच की तरफ भागा और सामने से आ रही पिकअप ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। गंभीर हालत में घायल आरोपी को चुरू के अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आरोपी की मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जो प्राइवेट से हमारे पास जानकारी है कि एक हमीरवास थाने में कोई केस दर्ज हुआ था और ये जिसकी डेथ हुई है इसके अगेंस्ट में चार्ज था। अब यकीन परिस्थितियों में उसका डिटेल हम थोड़ा अभी लेंगे, डेथ कैसे हुई है, क्या कारण है। पहले कोई 363/66 का मुकदमा था और बाद में जब स्टेटमेंट हुए तो ये आया कि पॉक्सो में ये कन्वर्ट हुआ था और ये आरोपित था। कांग्रेस ने राजस्थान के 19 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है, जहां जोधपुर से मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत की घोषणा से जोधपुर कार्यालय के बाहर रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा और जोरदार ढोल नगाड़े और आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान शहर विधायक मनीषा पवार, पूर्व जेडीए अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय त्रिवेदी सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद रहे। जिसकी घोषणा मात्र होनी बाकी थी, औपचारिकता के साथ आज घोषणा हो गई है। कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह है इस बात को लेके कि जिस तरीके से विकास बंद हो चुका था 5 साल में और जोधपुर की अंत्येष्टि चहुमुखी रूप से, मैं कहूंगा कि अंत्येष्टि हो रही थी, अब वापस चहुमुखी विकास की और जो जोधपुर है प्रशस्त हो रहा है। जोधपुर का मार्ग वैभव गहलोत के आने से
निश्चित रूप से जोधपुर में विकास की जो है गंगा बहेगी और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और होना स्वाभाविक भी है। एक लंबे समय से कार्यकर्ताओं की ही मांग थी कि वैभव गहलोत को जोधपुर से लड़वाया जाए और हम अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जिंदा रखा, वैभव गहलोत को प्रत्याशी बना के यहाँ से भेजा। काफी लंबे समय से इंतजार था कि वैभव गहलोत जी को यहाँ से टिकट दिया जाए और सभी लोगों की भावनाओं के अनुरूप राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है उसमें सभी कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है और सभी कार्यकर्ता खून पसीना एक करके और इस बीजेपी को उस यहाँ से हराएंगे और जिस तरह से 5 साल का जो शासन देश के अंदर रहा है उस शासन को जनता अच्छी तरह से जानती है कि जो जुमले झूठे बोलकर और लोगों को गुमराह करके 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे, नौकरियां देंगे, सभी लोग काला धन लेके आएंगे, ये तमाम वादे सब झूठे गए हैं। बिल्कुल, हम शुरू से ही आम कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता यह चाह रहा था कि वैभव गहलोत जी को टिकट मिले और ये राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत साहब ने एक आम कार्यकर्ता के बीच के युवा नेता जिसको आज की जरूरत है हिंदुस्तान को, उसको टिकट देकर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है। पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से लगकर हर एक घर घर दस्तक देकर जो योजनाएं कांग्रेस कार्यालय ने कांग्रेस मुख्यमंत्री जी ने दी है, कांग्रेस ने आज तक जो योजनाएं दी है घर घर दस्तक देकर उनको पहुंचाएंगे और तन मन धन से। राजस्थान कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद देर रात सूची जारी कर कोटा बूंदी लोकसभा सीट से राम नारायण मीणा के नाम पर मोहर लगा दी है। उन्होंने पार्टी संभावित चेहरा माना जा रहा है। वहीं राम नारायण मीणा ने खास बातचीत की तो उन्होंने अपना राजनीतिक करियर कांग्रेस के लिए समर्पित बताते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं पर जमकर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे लोकसभा उम्मीदवार बनाया है और मैं जनता के दुख दर्द का साथी रहूंगा। देखो मुद्दा साफ है, देश जिस तरह से बुरे दौर में गुजर रहा है और सबसे बड़ी बात है हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। किसी देश का एक आदमी मारा जाता है सीमा पे, पहल का हो जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है कि पाकिस्तान के हमारी सेना ने, हवाई सेना ने 300 व्यक्तियों को मार दिया जो पाकिस्तान की नागरिकता वाले थे, फिर भी पाकिस्तान शांत है। बड़ा अजीब है, लेकिन मैं तो एक ही बात करना चाहूँगा कि हमारे कोटा संभाग के विकास को जो दीमक लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस दीमक पे दवाई छिड़केंगे और बूंदी कोटा क्षेत्र का विकास होगा। दुर्भाग्य है कि जो रेलवे लाइन हमने मंजूर करवाई थी अजमेर की बूंदी होकर कोटा से सीधा कोटा जुड़े। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, कुलपति के खिलाफ छात्र नेता कर रहे हैं प्रदर्शन, कुलपति पर अनियमितताओं का आरोप, छात्र करा रहे हैं विश्वविद्यालय के कार्यालयों को बंद, लाइब्रेरी और एडम ब्लॉक वित्त विभाग को बंद कराने पहुंचे छात्र नेता, कुलपति सचिवालय पर एकजुट होकर कर रहे हैं नारेबाजी। आपको बता दें राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जहां कुलपति पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है छात्रों ने और छात्र विश्वविद्यालय के कार्यालयों को बंद कराने में लगे हुए हैं। लाइब्रेरी और एडमिन विभाग और वित्त विभाग को बंद करवाया गया। वहीं कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए छात्र। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता मोनिका शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी मोनिका, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ मांग है छात्रों की? देखिए कृतिका, ये जो विरोध है कई दिनों से यहाँ पर चल रहा है, कुलपति का विरोध किया जा रहा है छात्रों द्वारा। इनका आरोप है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर जो हो रहा है और कुलपति जी पे काफी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया गया है, जिसमें आज प्रशासनिक भवन, लाइब्रेरी और कुलपति सचिवालय के सामने छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और सीबीआई से जांच की मांग की है अपनी।
जी मोनिका, अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय में अभी कक्षाएं तो नहीं चल रही लेकिन परीक्षा का समय जरूर है, तो क्या छात्र परीक्षाओं को भी बाधित करेंगे? जी देखिए, अभी तक डिपार्टमेंट की बात करें जहाँ परीक्षाएं चल रही हैं, वहाँ इस तरीके की कोई गतिविधि छात्रों द्वारा नहीं की गई है। ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल परीक्षाओं को किसी तरीके से बाधित नहीं किया जा रहा है छात्रों द्वारा, वो सिर्फ एक अपना जो सांकेतिक विरोध है वो उस तरीके से उसे दर्ज करा रहे हैं। जी मोनिका, छात्रों की मांग है, अगर मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगे की क्या रणनीति रहेगी छात्रों की? बिल्कुल, छात्रों ने कहा है कि जब तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और इस तरीके का विरोध वो दर्ज कराएंगे, क्योंकि काफी टाइम से उनकी जो मांग है वो चल रही है और कुलपति हटाने की सबसे बड़ा जो मुद्दा है उनका, उसको लेकर वो इस तरह के कदम उठा सकते हैं आगे। जी धन्यवाद मोनिका इस तमाम जानकारी के लिए। चुरू जिला मुख्यालय के जयपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास देर रात को फायरिंग की घटना से शहर के बाशिंदे सहम गए हैं, जहां कार में सवार 5-6 हमलावरों ने फिल्मी स्टाइल से कार को रोककर अपनी कार में बैठे शराब कारोबारी पर ताड़ोबर तोड़ गोलियां दाग दी, जिससे कार को चीरती हुई गोली शराब ठेकेदार कमल कुमार को लगी और वह घायल हो गया। घायल हालत में उसे राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करवाई लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। आपको बता दें कि गत 18 मार्च को भी रात 11 बजे इन आरोपियों द्वारा कमल कुमार पर फायरिंग की गई थी और उस समय कमल की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की थी। रामसरा में ये जो कमल है जिस पे फायरिंग हुआ है, इसका एक्साइज का शॉप है और इसका कहना है कि 4-5 जो बदमाश है वो तो पैसे को लेन देन को लेकर इस पे आते वक्त फायरिंग किया है, इसके हाथ में गोली लगी है। अभी देखा है हॉस्पिटल में, ये तो सेफ है लेकिन जो इन्होंने बताया उसके लिए नाकाबंदी और टीम हमने रवाना कर दी। सर इसका कहना है कि एक इनोवा जैसी गाड़ी थी और उसमें सरवण और रामस्वरूप खालिद और 3-4 लोगों का, और इसने बताया कि ये लोग पुरानी रंजिश हैं इनकी और पैसे के लेन देन को लेकर उसने फायरिंग किया सर इसी पर, और इनमें से 2-3 बदमाश है वो लोग फायरिंग करके गए थे, उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा था। मीनवाइल ये दूसरी घटना। सरवण बुडानिया को, बाजिया को, रामस्वरूप को, एक खाली दिया तीन चार अन्य। कितनी राउंड फायरिंग की? 10 राउंड। क्या दुश्मनी है सरवण बाबू? दुश्मनी दुकान आम आदमी रुपया मांग रहे हैं, रुपया देखो कोई दुश्मनी बोल, मेरी कोई दुश्मनी। 4-5 रोज पहले आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां 19 में से 3 सीटों पर महिला उम्मीदवार तो वहीं 8 सीटों पर पूर्व सांसद और 5 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। इसके अलावा 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों को भी उतारा गया है। कांग्रेस की पहली सूची में 19 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा, 3 महिला, 8 पूर्व सांसद और 5 विधानसभा चुनाव लड़े प्रत्याशियों को मिला मौका। 5 सीटों पर नए चेहरे, 6 सीटों पर अटका मामला। परिवारवाद की भी चाप, 2 परिवार सदस्यों को मिला टिकट। जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर, राजसमंद, अजमेर, झालावाड़, भीलवाड़ा सीटों पर फैसला अभी है बाकी। हालांकि 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बाकी है। जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो पाई है उनमें जयपुर ग्रामीण, गंगानगर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और झालावाड़ शामिल है। कांग्रेस प्रत्याशी सूची में जिन 3 महिलाओं को मैदान में उतारा है उनमें ज्योति मिर्धा नागौर, ज्योति खंडेलवार जयपुर शहर और दौसा से सविता मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता ने कांग्रेस उम्मीदवारों से खास बातचीत की। राजस्थान की 19 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो वही जयपुर की बात करें, जयपुर में ज्योति खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ज्योति जी, आपको आपके सामने चुनौतियाँ आएगी, किस प्रकार से आप निपटेंगे? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि चुनौतियाँ निश्चित रूप से बहुत बड़ी होती है, लेकिन जहाँ जनता का साथ हो, जनता का समर्थन हो, जनता का प्यार हो, आशीर्वाद हो, जो मुझे भरपूर मिला है, चाहे वो मेयर के वक्त मिला हो, चाहे मुझे मेयर के कार्यकाल में मिला हो, चाहे मेयर के कार्यकाल के बाद मिला हो, तो मुझे जयपुर की जनता पर पूरा विश्वास है
पूरा उत्तर प्रदेश का है कि वो अपने पिछले चुनौती को जरूर पार कर देंगे। पिछली बार आपको टिकट नहीं मिली थी, नाराजगी थी। देखिए विधानसभा में निश्चित रूप से मैं कार्यकर्ता होने यहाँ से मैंने टिकट मांगा था, मैंने पार्टी के लिए काम किया लगातार, इसलिए टिकट मांगा था, नहीं मिला तो आपको थोड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन मैंने उसके बाद पार्टी के हरे प्रत्याशी जिताने का पूरी तरीके से प्रयास किया है और अब पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझे विश्वास दिया है पार्टी के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, अहमद पटेल साहब ने, अविनाश पांडे जी ने, खासतौर से विवेक बंसल जी ने एक विश्वास जताया है और मुझे लगता है जयपुर की जनता उनके विश्वास को और मेरी अपेक्षाओं मेरी उम्मीदों को जरूर पूरा करने में पूरा साथ दूंगी। जयपुर की सीट को ब्राह्मण सीट कहा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, धर्म जाति संप्रदाय में सीट को नहीं मानती हूँ। बीजेपी का तो काम ही है वो हमेशा धर्म जाति संप्रदायों में सीटों को बांटते रहते हैं, कैसे लोगों को बांटा जाए इसका काम करते हैं, लेकिन जयपुर का भाईचारा बहुत मजबूत है। यहाँ पे ईद दिवाली के त्यौहार जिस तरीके से हम एक साथ मनाते हैं, जिस तरह से रोजे रखते हैं उसी तरीके से सावन के व्रत रखते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरह के भाईचारे को यहाँ पर बीजेपी नुकसान पहुँचा पाएगी। और इसे धर्म जाति संप्रदाय पर ही चुनाव होगा ही नहीं और ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुद्दे पर होगा। जयपुर में किसने विकास किया, जयपुर के हर एक काम पर किसकी मोहर है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मोहर है। बीजेपी के बाद गिनाने को एक काम भी नहीं है, एक काम को भी दावा से नहीं है कि हमने इस काम को करके दिखाया। जयपुर की जनता इस बात पर वोट देगी और निश्चित रूप से जब वो इस बात को परखेगी आकेगी तो कांग्रेस के पक्ष में वोट देकर के यहाँ से वो इस बात को भी झूठा साबित कर देगी कि कोई किसी वर्ग विशेष की है, किसी पार्टी विशेष की सीट है, ये उस व्यक्ति की जीत है जो व्यक्ति उनके बीच में उनके साथ जुड़ करके काम करता है, जनता उसके साथ आती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जयपुर की जनता इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके सुख दुख में कौन हमेशा शामिल हुआ है, उनकी आवाज़ को हमेशा किसने बुलंदी दी है, उनकी आवाज़ की लड़ाई हमेशा किसने लड़ी है, इस बात को लेकर के सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा साथ आती है। राहुल गांधी की न्याय योजना का कितना असर? मैं मानती हूँ बहुत बहुत बड़ा असर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में केवल झूठे वादे किए गए, केवल चुनावी जुमले बोले गए, इसके तहत कुछ नजर नहीं आया, किसी को कोई काम नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ पे राजस्थान में चाहे कांग्रेस सरकार रही, तुरंत वादे पूरे करना शुरू किया और कांग्रेस की नीति हमेशा से रही कि उन्होंने जो बात कही है उसे अधिकार बना करके दिया है, उसे कानून बना करके जनता के बीच में दिया है। और न्याय के लिए भी जो है राहुल गांधी ने जिससे अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि हम करके दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़े वर्ग के लिए योजना है और उस वर्ग के लिए जिसको जरूरत है सरकार की थी उसके लिए ये योजना है, तो वो जरूर जनता जो है कांग्रेस की इस योजना को भी समर्थन देगी, साथ देगी और न केवल जयपुर में बल्कि पूरा मिशन 25 जो है वो हम कांग्रेस के लिए पूरा करके राहुल जी के नेतृत्व को और मजबूती देंगे। तो ये थे हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव जयपुर की सीटें वो जीतेंगे, साथ ही राजस्थान की 25 सीटों का जो मिशन 25 है वो भी पूरा करेंगे। कांग्रेस ने 9 पूर्व सांसदों को फिर से मौका दिया है, उनमें सुभाष महिरिया सीकर, भंवर जितेंद्र सिंह अलवर, नमो नारायण मीणा उदयपुर, ज्योति मिर्दा नागौर, बद्री राम जाखड़ पाली, रघुवीर मीणा उदयपुर, ताराचंद भगोरा बांसवाड़ा डूंगरपुर और गोपाल सिंह इडवा चित्तौड़गढ़ से मैदान में है, जिनमें 5 को पिछली बार भी कांग्रेस ने टिकट दिया था। पार्टी ने जिन 5 नए चेहरों को मैदान में उतारा है उनमें मुख्यमंत्री अशोक के पुत्र वैभव गहलोत भी हैं। वहीं सविता मीणा दौसा से और बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल, अभिजीत कुमार जाटव भरतपुर से, संजय कुमार जाटव धौलपुर करौली से हैं। इस चुनाव में पूरे भारत में इस बात का भाग्य का फैसला होगा कि 125 करोड़ की यह जनता किस प्रकार का शासन चाहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचारधारा एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा एक तरफ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि देश की जनता को समझावें कि गरीब का, किसान और गांव का भला केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं अखिल भारतीय स्तर के नेतृत्व में सोनिया जी, राहुल जी और हमारे अविनाश पांडे साहब को और प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बाकी स्थानीय नेताओं के सलाह से मुझे उम्मीदवारी दी है। मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में हर बात पे खरा उतरूं। 19 सीटों पर ये है प्रत्याशी, बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल,
चूरू से रफीक मंडेलिया, झुंझुनू से श्रवण कुमार, सीकर से सुभाष मेहरिया, जयपुर से ज्योति खंडेलवाल, अलवर से जितेंद्र सिंह, भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव, करौली धौलपुर से संजय कुमार जाटव, दौसा से सविता मीणा, टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, नागौर से ज्योति मिर्धा, पाली से बद्रीराम जाखड़, जोधपुर से वैभव गहलोत, बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह, जालौर से रतन देवासी, उदयपुर से रघुवीर सिंह मीणा, बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इडवा, कोटा से राम नारायण मीणा। राजस्थान लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने पहली उम्मीदवार सूची में 3 एससी को, 4 जाट को, 3 राजपूत को, 5 एसटी को, 2 ओबीसी को और 1 अल्पसंख्यक को, 1 वैश्य को मैदान में उतारा है। अब 6 सीटों पर दूसरी सूची का इंतजार है। क्या इस बार कांग्रेस टिकट वितरण में सफल हो पाती है, इसमें देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस बार 25 में से कितनी सीटों पर कब्जा कर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जयपुर से न्यूज इंडिया के लिए रहमतुल्ला खान की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।